वेलकम टू मन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th के सिलेबस के बारे में, ठीक है। जो इस सेशन के अंदर जो NCERT आपकी लागू हो चुकी है उसके सिलेबस के बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्कीम क्या है और क्या क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा उसके सारा अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, ये आप पढ़ लेना, आवश्यक निर्देश हैं आपके, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इनको देख लेना, ठीक है। जिसमें विषय दिए हुए, सब्जेक्ट कौन कौन सी हैं और उनके कालांश दिए हुए, पीरियड दिए हुए, ठीक है, इनको आप देख लेना। और आपको ये पूरी जो PDF फाइल है, वो PDF फाइल मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप एकदम सावधानी से इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और फिर अब देखो जो आपकी सब्जेक्ट आएगी, ये है जो माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए जो परीक्षा योजना है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं आपकी जो मैथमेटिक्स उसके बारे में, ठीक है ना। और हिंदी अंग्रेजी ये आप देख लेना, विज्ञान वगैरह इनके बारे में आप देख सकते हो। अपन स्पेशली मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो पेपर होगा उसका टाइमिंग रहेगा 3.25 घंटे का, ठीक है ना, 3 घंटे 15 मिनट। और जो परीक्षा होगी वो 80 नंबर की होगी, 80 मार्क्स की होगी। और जो स्थानीय परीक्षा है उसके जो नंबर होंगे वो 10 नंबर होंगे, प्रोजेक्ट आपके 3 नंबर के होंगे, अटेंडेंस आपकी 3 नंबर की होगी, और जो प्रोजेक्ट है वो 5 नंबर का होगा। और जो आपका अनुशासन है, व्यवहार है, वो 2 नंबर का होगा। तो टोटल 17 कितने भेजे जाएंगे आपके, 20 नंबर भेजे जाएंगे। और टोटल पेपर कितने का होगा, 20 ये हो गए, 80 ये हो गए, टोटल मिला के 100 नंबर के होंगे। और पास होने के लिए कितने चाहिए आपको, 33 चाहिए, ठीक है ना, ये आप इसमें देख लेना। और अपन सिलेबस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये भी आप पढ़ लेना पॉज करके आराम से, ठीक है ना। और यदि आप PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको PDF फाइल कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सबसे फर्स्ट आपकी हिंदी विषय है, हिंदी सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या अंक रहेंगे, वो कंप्लीट आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। अपन स्पेशल मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं मैथमेटिक्स का सिलेबस निकाल लेता हूँ यहाँ से। ये आपका मैथमेटिक्स का, ठीक है। इसमें एक प्रश्न पत्र होगा, एक पेपर होगा 3 घंटे का, वो पहले अपन डिस्कस कर लिया था। इसमें जो यूनिट वाइज जो आपका है वह है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम आपका 4 नंबर का रहेगा, एलजेब्रा आपका 18 नंबर का रहेगा, ज्योमेट्री आपका 15 नंबर का रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 नंबर का रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री आपका 12 नंबर का रहेगा, मेंसुरेशन पार्ट आपका 10 नंबर का रहेगा, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपकी 15 नंबर की होगी। टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। अब जो यूनिट फर्स्ट है रियल नंबर, उसमें अपन सिलेबस की बात करें तो उसमें सिलेबस आपका क्या रहेगा वो देखिए। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर रहेगा। इसमें इंट्रोडक्शन, यूक्लिड डिवीजन लेमा, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, रिविजिटिंग रेशनल नंबर, देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है ना। और जो यूनिट सेकेंड है उसमें एलजेब्रा आएगा, एलजेब्रा में पॉलिनोमियल के अंदर जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल समरी, ठीक है, इसके बारे में आप देख लेना। फिर नेक्स्ट इसमें चैप्टर रहेगा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चरों वाली जो लीनियर इक्वेशन समीकरण होगी, रेखीय समीकरण होगी, उसके बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट हेडिंग आपकी आएगी इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट मेथड चलेगा आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड चलेगा, प्रतिस्थापन अपन विधि बोल सकते हो, फिर एलिमिनेशन विधि, विलोपन विधि कह सकते हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको आप वज्र गुणन विधि कह सकते हो, फिर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका इसमें चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूँ, दीर्घ इसमें आपका
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर नेचर ऑफ रूट, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर इसमें आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें फर्स्ट हेडिंग आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में, एनथ टर्म ऑफ एपी यानी किसी एपी की एनथ टर्म क्या होगी, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी यानी एपी की एनथ टर्म तक सम आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट यूनिट आपकी होगी यूनिट थर्ड में ज्योमेट्रिक पार्ट, ज्योमेट्री के अंदर सबसे फर्स्ट यूनिट आपकी होगी ट्राइंगल। ट्राइंगल में अपन डिस्कस करेंगे सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और पाइथागोरस। फिर नेक्स्ट यूनिट इसमें आएगी सर्किल, सर्किल के अंदर टेंजेंट टू ए सर्किल, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्किल। उसके बाद में 11th चैप्टर इसमें एड है जो कंस्ट्रक्शन है, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल। उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट आपकी आएगी यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपकी 7th यूनिट इसमें आएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री यूनिट के अंदर आएगा आपका फर्स्ट 8th चैप्टर आएगा, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें आएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में। ये सारे चैप्टर आपके 10th क्लास के हैं, ये सारे पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी के जो जितने भी चैप्टर हैं उनके सारे के सारे वीडियो अपलोड है, आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो और पूरे कंसेप्ट को तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। पूरी बुक आपकी कंप्लीट है, पूरे कंप्लीट वीडियो अपलोड है, आप देख लेना चैनल के होम पेज पे जाके, वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका 9th चैप्टर आएगा यहाँ पे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हाइट और डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और यूनिट नेक्स्ट में आएगा मेंसुरेशन पार्ट, जिसमें एरिया ऑफ रिलेटेड सर्किल के अंदर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। फिर इसके बाद 13th चैप्टर इसमें ऐड होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें होगा सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन सॉलिड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर और फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन, ये इसमें अपन इसमें ऐड रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूनिट के अंदर आपका चैप्टर आएगा 14th चैप्टर स्टैटिक्स के बारे में, और स्टैटिक्स के बाद में इसमें आएगा मेन ऑफ ग्रुप डाटा, ग्रुप यानी कंटिन्यूस सीरीज आएगा, मोड ऑफ ग्रुप डाटा, फिर मीडियन ऑफ ग्रुप फेड डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसमें सिलेबस में रहेंगे। फिर 15th चैप्टर आपका इसमें रहेगा प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है, जिसमें प्रोबेबिलिटी में आएगा थ्योरेटिकल अप्रोच आएगी। अब जो बुक यहाँ पे आपकी बुक होगी वो आएगी मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक पब्लिश अंडर कॉपीराइट, जो एनसीईआरटी की जो बुक है सीबीएसई बोर्ड में चला करती है वो बुक यहाँ पे आपके चलेगी, ठीक है ना। तो आप इसको देख लेना, और जो इस एनसीईआरटी की जो पीडीएफ फाइल है आप कैसे इसको डाउनलोड करो, उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो आप एनसीईआरटी की किसी भी क्लास की बुक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट आप देखना चाहो नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, तो इसको आप नेक्स्ट जैसे संस्कृत है, संस्कृत के बारे में इसमें देख सकते हो, तो आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना, आपको कंप्लीट सिलेबस वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।